स्तर बहुत नीचे चला गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जयपुर में 1981 से पहले जो वाटर टेबल था वो 40 से 60 फीट के करीब था, लेकिन उसके पीछे एक कारण था कि जयपुर के सराउंडिंग रामगढ़ बांध, अमानिशा का बंदा, महारानी फार्म, कानोता बांध, गुलर बांध, मुआना बंदा, ये सारे जल संरक्षण के क्षेत्र थे। और यहाँ पर जो अमानिशा का डैम था उसमें नाहरगढ़ का जितना भी पानी आता था उसको संरक्षित किया जाता था। दुर्भाग्य से 1981 की बाढ़ में ये सारे बांध टूट गए। आज हम हजारों करोड़ों की योजनाएं लाते हैं, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि इन बांधों को वापस रिहैबिलिटेट किया जा सकता है, क्योंकि ये सरकारी ज़मीनें आज भी खाली हैं। अगर इनको रिटेनिंग वाल करके पानी रोका जाए तो निश्चित तौर से जयपुर के जो वाटर टेबल है उसको वापस सुधारा जा सकता है। शहर में आज बीसलपुर के पानी की सप्लाई है। बीसलपुर के सप्लाई जब कभी व्यथित होती है तो दो दो तीन तीन दिन तक जयपुर में पानी की त्राईमाम मच जाती है। नाहरगढ़ की पहाड़ियों को पानी को संरक्षित करना, आज जयपुर में सुबह से हमने देखा 4 बजे से 6 बजे तक बहुत बारिश हुई, लेकिन हम उस पानी को आज रोक नहीं पाए। अगर हम उस पानी को रोकने में सक्षम होते तो निश्चित तौर से जयपुर के धीरे धीरे जल स्तर बढ़ाया जा सकता है। मैं मंत्री जी को आपके माध्यम से 2-3 रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारी पिछली सरकार ने मुख्यमंत्री बजट घोषणा में तकरीबन 165 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की थी, जिसकी ANF भी हो गई और जिसके टेक्निकल सैंक्शन भी हो गई, लेकिन सरकार ने उन 4 योजनाओं को जो 165 करोड़ की थी, जिसमें पुरानी बस्ती लक्ष्मी नारायणपुरी, पुरानी बस्ती की करीब 94 करोड़ रुपए की योजना थी, लक्ष्मी नारायणपुरी की करीब 34 करोड़ की थी, घाट चौकड़ी रामचंद चौकड़ी की 21 करोड़ की योजनाएं थी। इनकी सारी सैंक्शन आप निकालें, सारे ईओ नोट सरकार के पास गए हुए हैं। दूसरी तरफ मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अमृत योजना के जो 2-3 काम हमारे शहर में पिछली सरकार में हुए थे वो काम अभी भी बाकी हैं, उसमें थोड़ी तेजी लाई जाए। और दूसरी बात, शहर में पानी के जो बीसलपुर से पानी आता है उसके लिए स्टोरेज टैंक और बनाए जाएं, क्योंकि कभी कभी जब बीसलपुर की सप्लाई व्यथित होती है तो पूरा शहर जाम हो जाता है और पानी दो दो तीन तीन दिन तक नहीं आता। स्टोरेज होगा तो आप सप्लाई को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन इसकी आज बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि रामगढ़ बांध और उसके कैचमेंट एरिया को आज अखबार में हम बहुत पढ़ रहे हैं कि बहुत सरकार चिंतित है आपकी, लेकिन उसमें जो अवैध निर्माण हो रहे हैं रास्ते में, जितने भी उसका कैचमेंट एरिया है, चूँकि ईसरदा बांध से इस रामगढ़